अच्छा जी, सलाम वालेकुम। आवाज आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। अब मैंने आपको लास्ट वीक एक टास्क असाइन करा था, और वो ये था कि आप लोग घर से रीडिंग करेंगे। मैंने जो आपको एक्सक्यूज मी टास्क असाइन करा था, वो टास्क ये था कि आप घर से रीडिंग कर लेंगे, एंड अगर उस रीडिंग के बाद कोई फर्दर मोर क्वेश्चन होगा तो वो, क्योंकि आपकी जो क्लास में ले रहे हो ना, ये पैराफ्रेजिंग की क्लास कहलाती है। पैराफ्रेजिंग यानी कि क्लास में अगर आप होते तो मैं आपको साथ रीड आउट करवा देता, इतना वो होता ही नहीं। लेकिन अगर मैं क्लास में एक एक पैराग्राफ रीड करवाने लग गया तो इट विल डेफिनेटली कंज्यूम मोर टाइम, सही है, एंड मोर लेक्चर्स टू रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। तो वो काफी ज्यादा एक सीरीज ऑफ कॉन्टेंट हो जाएगा जो मैं करना चाह नहीं रहा था, एंड दैट इज वाई मैंने इतना सा काम आपको दे दिया कि ये काम इतना बड़ा भी कोई काम नहीं है, एंड यू मे इजिली डू दैट। सही है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर आप कर तो इतना सकते ही हैं, बट मैं जो हूँ वो आपके लिए पैराफ्रेजिंग कर देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हुई कि यार ये पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा था, तो वो पैराग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास, जिसमें हम पैराफ्रेजिंग डिस्कस करेंगे। सही है भाई? तो पैराग्राफ वन आपने कर लिया होगा। पैराग्राफ वन तो अगर हम देखें, पैराग्राफ वन क्योंकि आपने कर लिया, तो पैराग्राफ वन आपको जो बातें बता रहा होगा वो ये कि बर्कन एक एक ट्रूप शिप था, और इसके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ ये 1851 में हुआ। सही है, कि मोर देन 150 इयर्स अगो ये इसके साथ ये इंसिडेंट जो था वो हुआ था। सही है, ये सोल्जर्स को लेकर जा रहा था। मोस्टली सोल्जर्स जो थे वो इनएक्सपीरियंस थे। ये इनएक्सपीरियंस वाला पार्ट जो वो एक एमसीक्यू भी है, तो उसको एज एन एमसीक्यू भी बनाकर याद कर लिएगा। सही है भाई? इतनी सी बात थी पार्ट ये पैराग्राफ वन के अंदर। सही है भाई? वैसे जब मेरे बच्चे जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, ये एक एमसीक्यू है। कितना? किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, ये वो जगह, ये वो टाइम था जिसपे इसके साथ इंसिडेंट हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए एट व्हाट डेस्टिनेशन इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। कितने बजे हुआ था? रात के 2 बज रहे थे। सही है भाई? तो ये शिप एक ऐसे पोजीशन पे था जहाँ इसको पता नहीं था कि इसके पीछे जो है या इसके आगे जो है वो एक अंडर वाटर रॉक है। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, अगर पता होता कि मैं एक अंडर वाटर रॉक से जाके हिट कर जाऊंगा या मैं उससे स्ट्राइक कर जाऊंगा, तो डेफिनेटली ये शिप अपने लिए कोई और रूट करता। लेकिन ये चीज कंफर्म ही नहीं थी, ये चीज पता ही नहीं थी ना किसी को, तो वो एकदम आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ ब्लू होना, ये एक चीज बिल्कुल नहीं होना, या एक ऐसी चीज होना दैट यू डोंट नो अबाउट इट एंड सडनली इट स्टार्ट हैपनिंग, तो वो हुआ। सही है, एकदम से हो गई, आउट ऑफ नो वेयर ये आया उसके सामने। सही है भाई? फिफ्थ लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है प्रे, ये PREY, प्रे किसके लिए कहते हैं? शिकार के लिए। सही है भाई? जब आप किसी का शिकार कर लेते हैं उसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज करा जाता है। सही हो गया? अब इतनी सी बात के आगे देखें, अब देखा हुआ है द अनफॉर्चुनेट प्रे, ये एक एमसीक्यू में बात पूछ ली गई थी आगे कि द अनफॉर्चुनेट प्रे किसको बोला गया था, द अनफॉर्चुनेट प्रे किसके लिए यूज करा गया था? शिप बर्कनहेड के लिए। शिप बर्कनहेड के लिए अनफॉर्चुनेट प्रे जो था वो वर्ड यूज करा गया था। अनफॉर्चुनेट का मतलब यानी कि बदकिस्मत, और प्रे शिकार। शिकार किसका हुआ था? शिप का हुआ था, और जिसने करा था वो कौन था? वो अंडर वाटर रॉक था, तो ये बात भी याद रखिएगा। सही है भाई? ये एक और सिनेरियो हो गया डन। अब इसके आगे लिखा हुआ है वो फास्ट अप्रोचिंग इट, वो अनफॉर्चुनेट शिप जो था वो फास्टली आगे बढ़ रहा था, और उसको पता नहीं था कि उसकी आगे डेस्टिनी के अंदर जो है वो क्या होने वाला है। सही, ऑल अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अन अवेयर, जब आप किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, अन अवेयर होना। सही है, अनकॉन्शियस बेहोश होने के लिए भी यूज करते हैं हम अक्सर, फेंटेड उसके लिए। लेकिन इधर किसके लिए यूज हुआ है? अन अवेयर, उसको पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला, क्योंकि डेफिनेटली अगर उसको पता होता तो वो अपना रूट चेंज करता,
या वो अपने लिए कोई सेफ्टी मेजर्स जो था वो लेता, लेकिन क्योंकि ये बात पता ही नहीं थी तो ये टोटली क्या था, एक न्यू सिनारियो था। ये आगे लिखा हुआ है, और कभी बर्कनेट ने सोचा नहीं था कि वो इतनी अर्ली डिस्ट्रक्शन को जो है वो मीट करेगा। अर्ली डिस्ट्रक्शन यानी के अर्ली डिस्ट्रक्शन यानी कि अपने इस वॉयज के ऊपर जो है वो मारा जाएगा या खत्म हो जाएगा एक तरीके से। शिप के लिए तो खत्म ही हो गया ना, लोग तो फिर भी कुछ बच गए, कुछ काफी सारे मर गए, लेकिन शिप के लिए तो पूरे ही उसका सफर जो था वो खत्म होता है। मतलब ये उसकी आखिरी वॉयज थी। वॉयज क्या होता है भाई, कभी वर्ड सुना है वॉयज, बताएं जरा। वॉयज वर्ड आपने कभी सुना है, पढ़ते हुए ढूंढा था मतलब, या ऐसे ही निकल गए थे विदाउट वंडरिंग इसका मतलब क्या होगा? नहीं, वॉयज बेसिकली जर्नी के लिए यूज करते हैं, लेकिन जर्नी पर्टिकुलरली जर्नी थ्रू सी। सही है, वॉयज किसके लिए यूज करते हैं, एक जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो समंदर के रास्ते करी जाती है, यानी कि पर्टिकुलर सी। सोचा नहीं था कि उसके साथ ये हो जाएगा, ये एक अनफॉर्चुनेट वॉयज उसकी होगी। खैर, इट वॉज 25th of February, ये भी एक एमसीक्यू है। 25th February एक एमसीक्यू है, एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। याद रखिएगा, एमसीक्यू में वो कंफ्यूज करते थे सर्टेन टाइम्स, एट 2 o'clock, एट व्हाट, 2 o'clock एट नाइट, 2 o'clock इन द मॉर्निंग। तो 2 o'clock इन द मॉर्निंग यानी के AM, 2 PM नहीं, 2 AM, रात के 2 जो होते हैं वो सुबह के 2 कहलाते हैं। She was almost at an uneventful voyage. Uneventful voyage का मतलब क्या होगा? Eventful का मतलब क्या होता है? चीजें वैसी होगी जैसे आपने प्लान करी थी। Uneventful का मतलब things have not gone the way you have planned. सही है? उस तरीके से चीजें नहीं गई जैसे आपने प्लान करी थी। सही हो गया? फिर अनइवेंटफुल वॉयज थी इसकी, इसने सोचा नहीं था या लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अपनी डेस्टिनेशन से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर हैं, और 64 किलोमीटर दूर उनके साथ ये वाकया हो जाएगा। बर्कनेट ने नहीं कभी सोचा था, उन लोगों ने नहीं सोचा था, और इस तरीके से इसके साथ हो गया। खैर, शिप जो था वो बिल्कुल काम था, अचानक से उधर क्रैश का साउंड आता है और शिप जब वो उस हिडन रॉक से टकराते हैं, 10 मिनट के बाद वो दोबारा टकराते हैं। मैंने आपको क्लास में भी बताया था और ये मैं आपको इधर भी बता रहा हूँ कि 10 मिनट का टाइम हुआ था, लाइक पहली स्ट्राइक हुई उसके बाद शिप दोबारा पीछे हो गया और उसके बाद दोबारा स्ट्राइक करता है, यानी कि फर्स्ट स्ट्राइक टू सेकेंड स्ट्राइक, जो बीच में टाइम जोन आता है वो कितना था, 10 मिनट का टाइम पीरियड था बीच में। सही है भाई? Meanwhile, the people on the ship were awakened from a peaceful sleep by the shock. इतना बुरा शॉक था, इतना बुरा उसके ऊपर वो पूरा शिप एक तरीके से हिल गया था कि लोग जो थे वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गए थे, घबरा गए थे कि क्या करें क्या ना करें। अभी तो पता ही नहीं चल रहा था, डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअल कॉज क्या है या एक्चुअल रीजन क्या है सबके पीछे। सही है? तो एक तरीके से पूरा सिनारियो जो था वो डिस्टर्ब हो गया, पूरा सिनारियो जो था वो खराब हो गया। अब ये हो गई एक और सिनारियो की सिचुएशन। सही है? अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पहले पार्ट पे जो लोग थे, यानी कि जो फ्रंट पार्ट पे लोग बैठे हुए थे, वो समहाउ क्रॉल करते 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 जो है वो उसके बैक पार्ट पर, मतलब क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है एक तरीके से रींगना, तो मतलब लोग जो थे वो अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहे थे एंड इधर जाके उधर टकराना, उधर से इधर टकरा रहे, तो वो इधर से उधर हिट कर रहे थे। खैर, जो फ्रंट पार्ट टूटते सा नीचे डूबने वाला ही था, तो लोग जो थे वो बैक पार्ट के ऊपर फ्लोट करके आ गए। लोग जो थे वो बैक पार्ट के ऊपर फ्लोट करके आ गए। अब जरा इसी पैराग्राफ की, सब लोगों को पता था कि कुछ टेरिबल तो हो गया। अब इसी पैराग्राफ की यानी कि पेज नंबर 12 पैराग्राफ 3 की लास्ट थर्ड लाइन देखें। देखा, दे हैड अ नैरो एस्केप from a watery grave. ये लाइन नजर आ रही है, they had a narrow escape from a watery grave. यानी के narrow escape का क्या मतलब होगा, उनके बचने के chances बिल्कुल ना होने के बराबर थे, उनके बचने के chances बिल्कुल ना होने के बराबर थे, और एक चीज कंफर्म थी कि watery grave, कि इसी पानी के अंदर जो है वो मर जाएंगे और शायद दफन भी हो जाए नीचे। तो एक चीज तो उनको कंफर्म थी कि बचने के चांसेस ना होने के बराबर है, नैरो बहुत ही कम, तंग escape यानी के बचने के चांस, और कंफर्मिटी किस चीज की होगी थी,
वॉटरी ग्रे, कि पानी में जो है, पानी में जो है वो हमारी कबर जो है वो एक तरीके से बन जाएगी। सही है भाई। अब यहां तक हो गया बेटा ये डन, सही है। अब जरा नेक्स्ट पेज के पहली जो दो तीन लाइन लिखी वो देखो। When the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged or destroyed. ये बात भी हमने देख ली कि आधी से ज्यादा lifeboat जो थी वो damage हो गई थी। सिर्फ कितनी बची थी? Only three of the boats were in a useful condition. सिर्फ तीन boats बची थी, जिसमें से एक की capacity कितनी थी? 60 passengers. तो in total कितने बचाए जा सकते हैं? In total कितने बचाए जा सकते हैं? 180 बचाए जा सकते थे इन टोटल, थोड़ा सा छोड़ देंगे। ओके, सही है। 630 पीपल टू बी सेव्ड, टोटल नंबर जो लोगों को बचाना था वो कितने थे? 630 एज अगेंस्ट लाइफ बोट में कैपेसिटी कितनी थी? और ओनली 180। सिंपली सी बात है, हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसे वक्त में पैनिक होगा भाई। दोस्त दोस्त भी हो तो वो क्लेम कितना भी कर ले, लेकिन जब अपनी जान पर आती है तो सबको अपनी जान ही प्यारी होती है। ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, अपनी जान के आगे किसी और की जान कभी अच्छी नहीं लगती। सही है। Only 180 would find room, और जाहिर सी बात है जिनको जगह नहीं मिलेगी वो नीचे गिर जाएंगे, या तो पानी में डूबते मर जाएंगे या शार्क उनको खा जाएंगे। दोनों सिनेरियो में से कोई एक चीज जो थी वो वेरी पॉसिबल कंडीशन के ऊपर थी, सही है। क्योंकि जहां जहां नजर जा रही थी पानी में, वहां शार्क जो थी वो नजर आ रही थी, सही है। अब कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक कह रही मैं अपने घर से बनवा के कोई ऐसे खास इंग्रेडिएंट से चीज नहीं लाया, सही है। तो बचने के चांसेस बहुत कम थे, जाहिर सी बात है। मेल और फीमेल एंड बच्चों के, विमेन एंड चिल्ड्रन के चांसेस तो नजर आ रहे थे कि वो बच जाएंगे, बट दूसरे ग्रुप के चांसेस जो थे वो बहुत ही कम हो गए थे, क्योंकि नजर नहीं आ रहा था कि क्या होगा उनके साथ। सही है, यहां तक नजर समझ आ गया। अब अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं 630 पीपल ऑन द रिक्ड शिप। यहां से मैंने आपको एक पैराग्राफ भी मार्क करवाया था लास्ट वीक, और वो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो आपके एक क्वेश्चन निकाल रहा है। फॉर ओनली 180 वन वुड हैव एक्सपेक्टेड अ पैनिक। याद रखिएगा, बर्कनेट पे पैनिक नहीं हुआ था, बर्कनेट पे पैनिक नहीं हुआ था, बर्कनेट पे पैनिक नहीं हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या पूछा? व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड देयर बीन पैनिक ऑन बर्कनेट। अगर पैनिक हो जाता, अगर पैनिक हो जाता तो क्या होता? क्योंकि वैसे तो पैनिक नहीं हुआ, लेकिन वो पूछ रहे अगर हो जाता तो क्या होता। फॉर लाइफ इज स्वीट, मेन एंड वुमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स, ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट इनटू वन ऑफ द लाइफ बोट्स वुड सर्टेनली हैव कॉज्ड अ पैनिक। ऐसी कंडीशन में पैनिक तो होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि कमांडर का ऑर्डर क्या आ गया था? वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, औरतों और बच्चों को जो है वो सबसे पहले बचाया जाएगा, किसी भी सर्कमस्टांस में उनको सबसे पहले बचाया जाएगा। सही है भाई। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या हो सकता था? मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट, दे माइट हैव पुश्ड वन अनदर इनटू द सी। सही है। द बोट्स माइट हैव बीन ओवरलोडेड एंड संक अंडर द वेट। कहते हैं ऐसी चीजें पहले भी हुई हैं, तो लोगों ने एक्सपेक्ट क्या करा इस आंसर में, कैसी चीजें हो जाती अगर पैनिक हो जाता किसपे? बर्कनेट पे। बट बर्कनेट पे पैनिक नहीं हुआ था, सब कुछ जो था वो बिल्कुल क्या था, 100% यानी कि एब्सोल्यूट कंट्रोल में था। कमांडर ने सारे पर ऑर्डर जो थे वो देके चीजें संभाल ली थी और सारी चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली थी। बट देन अगेन ऐसा नहीं था कि 0% पैनिक, पैनिक था, लेकिन वो पैनिक सोल्जर्स में नहीं था, वो पैनिक सोल्जर्स में नहीं था। जो फैमिलीज थी, जाहिर सी बात है उनको तो ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाने ही हैं, तो उधर भी ऐसा हो रहा था, लेकिन सोल्जर्स ने गिव अप नहीं करा और उन्होंने पूरी सिचुएशन के ऊपर बहुत ही कम टाइम के अंदर जो था वो एक तरीके से क्या कहते हैं कंट्रोल जो था वो कर लिया।
एक मिनट दे मुझे। सही है भाई। अब यहां तक हो गया, अगला पार्ट डन हो गया। अब जैसे ही हम इस पार्ट पे आते हैं तो यहां से अब स्टार्ट होगा क्या, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। होपफुली ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिएगा भाई। सबके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, सबको पता मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है, और मैं आपको जवाब भी दे दूंगा जल्दी। बट देयर वॉज नो पैनिक ऑन बर्कनेट। बर्कनेट पे पैनिक नहीं हुआ था, मैंने आपको पहले बता दिया। सबको जो था वो बेशक वो सोल्जर्स जो थे वो यंग सोल्जर्स थे, बेशक वो सोल्जर्स जो थे वो यंग सोल्जर्स थे, लेकिन उनको पता था कि कंट्रोल सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से करना है। उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और चीजों को अपने काबू में कर लिया था और संभाल लिया था, पूरे मामले को उन्होंने संभाल लिया था। इतनी बात समझ आ गई। अब अगले पैराग्राफ में देखिए, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे, एमसीक्यू है ये। एक एमसीक्यू मार्क करे के ऑर्डर ऑफ द डे क्या था, मैंने आपको शायद पहले की क्लासेस में भी बता दिया था कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, सबसे पहले किनको बचाया जाएगा, औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा। तो ये ऑर्डर दिया गया था उस दिन, सही है। लाइन अपॉन लाइन जैसे ही सारी भर जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, और उसके बाद उनको रवाना करने का टाइम आ गया, यानी कि अब उनको भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, एक से या नियर जो भी सबसे पहले पोर्ट आएगा उस पोर्ट पर उनको भेजा जाएगा। तो एक तरीके से उनको तो रवाना कर दिएगा। और वो जब जा रहे थे वो देख रहे थे कि वो रेड अब रेड कोटेड सोल्जर जो थे वो अपने ऑर्डर्स के अंदर खड़े हुए थे। अब देखिए सोल्जर का एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ छोड़ के खड़ा हुआ है, किसी ने हाथ बांधे हुए हैं, किसी ने जो है वो लेग्स को थोड़ा सा टर्न करा हुआ है, इंक्लाइन करा हुआ है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, नहीं। सोल्जर्स जो होते हैं वो एक सुपीरियर एग्जाम्पल होते हैं किस चीज की, डिसिप्लिन की। सोल्जर्स जो होते हैं वो एक सुपीरियर एग्जाम्पल होते हैं किसकी, डिसिप्लिन की। तो वैसे ये ड्रिल वर्ड क्यों लगा चैप्टर में, अब आपका सवाल आना चाहिए था। अब तक मुझसे किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूछा कि सर ड्रिल का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे शायद यही ना समझ रहे हो कि बर्कनेट ड्रिल, ये ड्रिल भी उसी का मतलब है। नहीं नहीं नहीं, ड्रिल उसका नाम नहीं है, ड्रिल किसी और वजह के साथ इसके साथ लगा। ड्रिल का मतलब क्या है इधर, ड्रिल कहते हैं फौज, यानी कि आर्मी अपनी प्रैक्टिस करती है डेली। आर्मी अपनी प्रैक्टिसेस करती है और प्रैक्टिस करने के बाद, एक्सरसाइजेस करने के बाद अपनी ऑर्डर्स के अंदर खड़ी होती है। तो ये जो ऑर्डर होता है इनका खड़ा होने का, ये क्या कहलाता है, ड्रिल। ये इनका क्या कहलाता है, ड्रिल। तो इन्होंने उधर सारे लोगों को उस लाइफ बोट्स में लोड करा, लोड करने के बाद उन्होंने क्या करा, उनको रवाना करा, और उसके बाद अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग खड़े हो गए। तो इसलिए क्या बोला गया, नाम क्या दिया गया, बर्कनेट पे ड्रिल करके दिखाई गई। एक फौज ने जो अपनी ड्रिल करी उसके लिए ये नाम क्या लगता है, बर्कनेट ड्रिल। जी सही हो जाएगा, ओके ठीक है, अच्छा सही है, यहां तक हो गया। सारे जो थे वो रेड कोटेड सोल्जर्स अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग खड़े हुए थे और ये प्रॉपर इनका ड्रिल ऑर्डर जो था वो कहला रहा। सही है, ये हो गई बात डन। द शिप्स कंपनी विद द कैप्टन स्टूड बाय द सोल्जर, यानी कि जो जितने भी कमांडर, जो कमांडर और उसके पास सोल्जर थे उन्हीं के साथ शिप की कंपनी, यानी कि जो शिप का क्रू था वो भी बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर खड़ा रहा और उसी ऑर्डर के अंदर जो थे वो रहे। सही है, वो वहां से
मतलब एक तरीके से स्टैंड स्टिल रहे, वो मूव नहीं करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कैप्टन का तो एक वो तो होता है कि वो शिप को छोड़ के जा नहीं सकता। कैप्टन कैन नेवर अबैंडन द ड्राउनिंग शिप, वो उसको शिप के साथ रहना पड़ेगा एट एवरी कॉस्ट। सही है। अ फ्यू ऑफ दी स्ट्रगल टू द सर्फेस ऑफ द सी, बहुत सारे लोग जो थे वो जब शिप डूबता है तो शिप के ऊपर जो शिप का रेकेज फ्लोट कर रहा था पानी में उसके ऊपर आ गए। सही है। एंड जब उस पर आ गए तो इन्होंने क्या करा, शिप के ऊपर जैसे ही आ गए फ्लोट करते रहे, जान बचाई। तो इन टोटल कितने लोग बचे थे, इन टोटल 170 पहले बचा लिए गए और रेस्क्यू शिप ने कितनों को बचाया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 24। तो इन टोटल द नंबर ऑफ पीपल दैट वर सेव्ड वर 194, यानी कि 194 लोग जो थे वो बचाए गए। बट कितने लोग थे जो टोटली डूब गए और खत्म हो गए, यानी कि अगर 630 में से हम 194 निकालते हैं तो हमारे पास जो फिगर बचता है वो कितना है, 436, यानी कि 436 ये वो टोटल काउंट था जो लोग मारे गए थे। सही है, सही है। सब जो थे वो अपनी ड्यूटी से लॉयल थे, सब अपने कामों से लॉयल थे और सबने वही करा जो उनकी ड्यूटीज उनसे असाइन थी, जो उनकी ड्यूटीज ने उनसे डिमांड करी थी, सबने अपनी अपनी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग जो था वो काम करे। द कमांडर ऑफ द ट्रूप्स, अब ये वो आ गया जो मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन दिया ना, व्हाट वाज द मोस्ट हीरोइक एक्शन इन द स्टोरी। वैसे तो पूरी स्टोरी बर्कन ड्रिल जो है वो एक हीरोइक स्टोरी है, सही है, लेकिन उसके अंदर जो द मोस्ट हीरोइक एक्शन था वो क्या था, उसके अंदर जो द मोस्ट हीरोइक एक्शन था वो क्या था, ये सवाल आता है। क्या कहा गया, कमांडर जो थे उन्होंने एक शिप रेकेज के ऊपर सहारा लिया हुआ था। ये देखते हैं दो यंग सेलर डूब रहे हैं, ये अपना शिप रेकेज में उन तक फ्लोट करते हुए ले जाते हैं और वो दो सेलर्स भी इसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन फिर कमांडर को रियलाइज होता है कि ये हम तीनों का वेट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने क्या करा, अपना हाथ उसके से उठा दिया और उन दो यंग सेलर्स की जान बचा ली। अब वो जो 24 सेलर्स लोग बचे थे इन द एंड, उनमें से ये दो सेलर्स भी थे, इन्होंने ये बात जो थी वो बाद में कोट करके बताई थी कि इस तरीके से कमांडर ने जो था वो कुर्बानी दी थी और हमारी जान बचाई थी। समझ आ रही है ये बात, तो अगर ये सवाल आता है तो ये आंसर होगा, लेकिन जो मैंने आपको काम दिया है उसमें तो आप खुद बनाएंगे। अच्छा जी, अब लास्ट में मूव करते हैं। द वन ऑफिसर ऑफ द ट्रूप्स हु वाज रेस्क्यूड रिपोर्टेड, सही है, एक ऑफिसर भी बचा था उसके अंदर सोल्जर, और उसने रिपोर्ट क्या करा, उसने रिपोर्ट करा ये जो अब बातें पढ़ूंगा मैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हैंड्स वर फार मोर देन आई एक्सपेक्टेड और थॉट कुड बी अफेक्टेड बाय द बेस्ट डिसिप्लिन, कहते किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बेस्ट डिसिप्लिन जो है वो दिखाया जाएगा किसके ऊपर, बर्कनेट के ऊपर, लेकिन वही हुआ, एक बेहतरीन मुजाहरा जो था वो करके दिखाया गया और किसी ने सोचा नहीं था वैसा काम करके दिखाया। एवरीवन डिड एज डायरेक्टेड, जिसको जो भी काम दिया गया था, जिसको जो भी टास्क दिया गया था, सबने वही काम करा। देयर वॉज नॉट अ मर्मर अमंग देम, किसी ने भी बड़बड़ाया नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी किसी को, सबने अपने काम जो थे वो परफेक्टली करे। ऑर्डर्स वर कैरिड आउट As if the men were getting on the ship instead of going to the bottom. लग नहीं रहा था जिस तरीके से orders follow हो रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो मौत कितने करेगा, और मरने के वक्त तो इंसान panic करता ही है, लेकिन फिर भी उन soldiers ने panic नहीं करा था, इसलिए ये story greatest heroic stories के अंदर count होती है। Birkin and Drill, women and children first, if the order of the day followed on all the ships that are in danger. अब कोई भी उस 1851 के वाक्य के बाद से अगर कोई भी ship खतरे में होता है तो यही order follow करा जाता है। सही है, बर्कनेट का मतलब क्या है, टू स्टैंड एंड बी स्टिल एंड फेस सर्टेन डेथ सो दैट वीकर वन मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया एंड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया, एक्सप्लेनेशन समझा दी, क्वेश्चन दिए थे दो करने को। अगर आपने इस हफ्ते के बीच में भेज दिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भेज सके क्योंकि मसरूफियत की बेसिस के ऊपर मसरूफ होते हैं आप लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा,
कि अब आप फ्राइडे को जैसे ही क्लास लेंगे तो आप मुझे सैटरडे से पहले पहले ये क्वेश्चन भेज देंगे, ताकि मैं चेक करके बता दूं क्या गलती है क्या नहीं है, अगर कोई मसला हुआ, वरना तो मोस्टली बच्चों का काम सही होता है। फिर हम आगे मूव कर जाएंगे किस पे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस। नोट्स का मैंने आपको लास्ट वीक बता दिया था, नोट्स का क्या करना है, जो बच्चे मिलेंगे वो लाइबाबाद जी से कॉन्टैक्ट कर लें, कोचिंग आके उनके पास नाम पैसे अपने पूरे ड्रॉप करवाएं, तो उनको एक हफ्ते के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। फिर मैं मार्किंग करानी स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप फिर सीरीज ऑफ टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हो गए, सही है जी, यहाँ तक बस खत्म कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।